नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम पोरियम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर अनिल गौतम है और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में असिस्टेंट सॉयल कंजर्वेशन की पोस्ट पर जो है कार्यरत हूँ। वहाँ से मैं अपना समय निकाल कर आप लोगों के लिए जो है जॉब अपडेट्स के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो है बताने वाला हूँ आपको कि आप जो है घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर एक हाउस वाइफ हैं, आप अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या अगर आपने इंटर पास कर रखा है, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर जो है इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पैसे मिलने वाले हैं वो मैक्सिमम जो है 140 रुपये पर आवर के हिसाब से, प्रति घंटे 140 रुपये मिलने वाला है। तो ये क्या है, एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहाँ पर आप जो है घंटे के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लें दें, ताकि वो भी जो है इस पे काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे जो है आप वहाँ पे ट्यूटर का काम करके जो है पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आप जो है अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो आप वहाँ पे 2 घंटे पढ़ा दीजिए और उसका पैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना पैसा मिलेगा, कैसे क्या काम करना है, वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलूँगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ मैं जो है आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे काम करना है मोबाइल की स्क्रीन पर। और यहाँ मैं आपको पूरी जो है डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको जो है वर्क करना है और वो कौन सा एप्लीकेशन है या साइट है जहाँ पे आपको काम करना है और आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। तो जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, वैसे मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जो है आप जो इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा फिलो ट्यूटर। तो यहाँ पर फिलो ट्यूटर ट्यूटर की जो है ये टाइप करके आपको जो है इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप नाम से यहाँ पे आप जान गए होंगे कि आपको वर्क यहाँ पे क्या करना है। तो वर्क जो है यहाँ पे आपको करना क्या है, ये फिलो ट्यूटर एक जो है एप्लीकेशन है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नाइन्थ से लेकर 9th 11th 12th और 10th और यहाँ तक कि जो है ये गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर जो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्यूटर को जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑफिशियली यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्यूटर का जो है यहाँ पे करना है, बच्चों को टीच करना है और उसका जो है ये आपको यहाँ पे पैसे देने वाले हैं। तो ये कितना पैसा देंगे, कैसे क्या इनका प्रोसेस है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये इसको कर लेना है आपको ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो है आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है आपको जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन कहता है तो यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है अपना मोबाइल नंबर। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एक आएगा आपके पास ओटीपी, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। जैसे ही आप OTP को एंटर करते हैं उसके बाद आपके सामने जो है एक्सेप्ट यूजेस टर्म्स, यानी कि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाती हैं। आप इसको जो है केयरफुली जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहीं पर आपको जो है बताया जाएगा आपको कितने पैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए ओवरव्यू के लिए मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि ये जो है आपको कितने पैसे देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पैसे आपको मिलने वाले हैं वो आवर के हिसाब से मिलने वाले हैं, प्रति घंटे के हिसाब से। आप जितने घंटे यहाँ पर जो है टीचिंग करेंगे आप उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। तो जैसा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स 12th और 11th, यानी कि आप अगर इंटरमीडिएट के जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है पढ़ाएंगे तो आपको जो है 140 रुपये पर आर के हिसाब से दिए जाएंगे, प्रति घंटे 140 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप जो है 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको 110 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी करवाएंगे तो उसके लिए भी आपको जो है 110 रुपये पर आवर के हिसाब से यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो ये जो जितनी भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको जो है आप एक बार केयरफुली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे दिया होगा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट आपको इसको कर लेना है और उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं अपना जो है यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है योर एज, आपका एज का क्या ग्रुप है, यानी कि आप कितने यहाँ पे 18 से 22 या फिर 25, जो भी आपका जिस स्लैब में आप आते हैं उसको आप कर लीजिए क्लिक। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है पूछेगा आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको अपनी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन देनी है, आप अगर ग्रेजुएट हैं या फिर आप जो है अपेयरिंग में हैं, आपका जो भी यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। तो मान लीजिए मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पर डाल दिया बीटेक। तो अब यहाँ पर ये पूछेगा ये अंडर गोइंग, यानी कि मैं कर रहा हूँ या फिर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है तो इसको हम कर लेंगे कंप्लीट को। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी पूछता है, तो आपको जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसको आप जो है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। टीचिंग एक्सपीरियंस, अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है या फिर आप यहाँ पे जो है टीचिंग एक्सपीरियंस में कई सारे क्वेश्चन हैं उनको आपको यहाँ पे देना है आंसर उनका। जैसे व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो टीचिंग कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए, अगर नॉन टीचिंग है जो भी आप अप्लाई होता है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जल्दी से। उसके बाद जो है पीरियड टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि प्रोफेशनल NGO और लोकल नेटवर्क और नन, तो आपको यहाँ पे जो है अपना जो है जो भी सेलेक्ट आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आप जो है
बच्चों को किस कैसे पढ़ाएंगे, स्मार्ट फोन से पढ़ाएंगे, टैबलेट से पढ़ाएंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिससे भी पढ़ाना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास तीनों हैं तो आप तीनों सेलेक्ट कीजिए, अगर दो हैं तो आप दो को सेलेक्ट कीजिए, जो भी है। अगर एक है स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन कीजिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप स्मार्टफोन से अपनी जो है ये टीचिंग शुरू कीजिए और उसके बाद जो है आप उसके बाद पैसे कमाइए और आगे जो है डेस्कटॉप वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट द लैंग्वेजेज यू आर कंफर्टेबल टीचिंग, यानी आप जो है टीचिंग करने के लिए कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है उनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तीन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तीन। तो यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर दिए, आपको जो लगता है उसमें। अब ये पूछ रहा है कि आप जो है किस में बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, सेलेक्ट द लैंग्वेजेज यू आर इन्फ्लुएंट इन। तो यहाँ पे आप जो है इंग्लिश में कर लीजिए सबसे, सॉरी इंग्लिश अगर है इंग्लिश कीजिए, हिंदी है तो हिंदी में, यानी कि आप उसको जो है कैसे समझा सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है सेलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द करिकुलम यू कैन टीच, यानी आप कौन सी इंग्लिश उसमें पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश में अगर आप पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी में। तो यहाँ मैं इंग्लिश कर दिया हूँ। अगला जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे जो है चार स्टेप आए हैं। हाय अनिल, अनिल वेलकम टू द मिशन ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट टेक कंट्रोल ऑफ दियर लर्निंग। तो ये चार स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली से इनको जो है यहाँ पे फिल करना है। यही जो है आपके जो है आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे इनमें कोई गड़बड़ी करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आप ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे कोई गलती कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सके। तो अपडेट जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर देना होगा। तो प्रोफाइल पिक्चर जो है आपका बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सेकंड वाला आप जो का है वो है अपलोड आईडी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो है दो दिए हुए हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे फिल कीजिए। आपको आधार कार्ड लगता है आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड तो आप जो है पैन कार्ड करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो है ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होंगी सबमिट। तीसरा जो है वो है सेलेक्ट योर टीचिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या है सेलेक्ट द टॉपिक यू आर कंफर्टेबल टीचिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको, तो यहाँ पर किस में आप पढ़ाना चाहते हैं, कौन सी क्लास को, 9th to 10th, 11th to 12th या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो जो भी आप करना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो है बता दे रहा हूँ, यानी कि अगर आप 9th करते हैं तो यहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब को भी जो है पढ़ा सकते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब वालों को। और अगर आप जो है 12th और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो आपको सिर्फ इंटरमीडिएट के ही स्टूडेंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर मान लीजिए आपने जो है 9th और 10th किया तो उसके साथ में आप गवर्नमेंट जॉब वालों को भी यहाँ पे जो है आप पढ़ा सकते हैं। इसको कर देना है आपको डन। उसके बाद जो है आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आप जो है जो आपको आप जिस पे कमांड है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, या फिर ऑल टॉपिक पे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो है इंग्लिश में जो है सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जो जो आप पे आपको लगता है कि आप ये अच्छे से कर सकते हैं तो उनको आप जो है सेलेक्ट कीजिए और आप उसको जो है डन कर दीजिए। उसके बाद जो आता है चौथा, तो यहाँ पे चौथे वाले में क्या है रिकॉर्ड वीडियो इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे जो है आप जो है क्या करेंगे, जैसे ही आप जो है यहाँ पर इसे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे जो है जब आप अपने तीन स्टेप ऊपर के जो है कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक इसका क्या होगा कैमरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या है आपका जो है एक वीडियो रिकॉर्ड होगा जिसमें आपको अपना जो है एक बहुत अच्छा जो है इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद में ये अपलोड हो जाएगा और ये जो है सबमिट फॉर रिव्यू के लिए जाएगा। लेकिन उसके पहले भी एक यहाँ पे आपको काम करना होगा। वो काम क्या होगा आपका, वो ये होगा कि आप जैसे ही वीडियो को आपका इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही आपका जो है इसमें का कैमरा जो है चेंज हो जाएगा और आपके स्क्रीन पर एक आ जाएगा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है आपके पास कॉपी होगी, जो पेन और पेपर होगा उस पे आपको उस क्वेश्चन को जो है इनको समझाना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पर ये सभी स्टेप को पूरा कीजिए और आप जो है यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट जो है एप्लीकेशन है। तो देखा दोस्तों यहाँ पर कितना आसान है कि आप जो है यहाँ पर कितने आसानी से जो है काम कर सकते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तब भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं यहाँ पर भी पार्ट टाइम में जो है आप यहाँ पर काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप अपना जो है पॉकेट मनी अच्छे से यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 140 रुपये पर आवर आपको दे जा रहे हैं। अगर आपने 2-3 घंटे यहाँ पर दे दिए तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और तब भी आपने यहाँ पर जो है काम किया तो आपकी जो है प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी, फर्दर स्टडी आपकी जो है कंटिन्यू रहेगी और दो आप पैसा भी कमाएंगे और अपना आपके पास जो नॉलेज है वो भी आप दूसरे तक जो है ले जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर काम कीजिए और अच्छे पैसे कमाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को जो है वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे वीडियोस के डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।